नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब सॉरी सोमवार के लिए मतलब 10 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने चार्ट एनालिसिस करूँगा और उसके बाद चार्ट एनालिसिस करूँगा, उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा और प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मैंने बाई सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देता हूँ। इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सा फॉर्म बना हुआ है, NR4 NR7 100 मूविंग आवर स्ट्रैटेजी और फिबोनाची स्ट्रैटेजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये भी रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को मिलेगा जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो फाइल है मेरा जिसका थ्रू में मैंने सब बाइसल लेवल ये सब वगैरह देता हूँ, 100 डे स्टडी इन सब दबा NR4 NR7 कैंडल स्टिक फॉर्मेशन ये सब दिखाता हूँ। तो ये भी आप लोग को इसका व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का फ्री ट्रायल के लिए उसका लिंक आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, मतलब सैम्पल फाइल कैसा क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करता है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इसके अलावा आप लोग को इसका ये कैसे स्क्रीनिंग करना है, ये कैसे स्क्रीनिंग करना है उसका वीडियो भी मिल जाएगा। कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ करना है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसका परफॉर्मेंस कैसा है, आप लोग कैसे इसको एंट्री कैसे यूज़ करता है वो भी आप लोग को देखने के लिए जरूर देखिएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट एक बार ओपन किया हो कि यह कैंडल स्टिक चार्ट है। तो जो लोग मतलब नहीं जानते हैं कि इधर कैसे दूसरा कुछ मतलब हेकेनासी और दूसरा चार्ट जाता है, इधर डिस्प्ले में जाना है, इधर जाके हेकेनासी लगाना है, बस ये हेकेनासी है। हेकेनासी का जो हेकेनासी का जो सुविधा होता है कि अभी वो ट्रेंड दिखाता है, कैंडलस्टिक का ट्रेंड दिखाता है कि कैसे ये ट्रेंड चलता है और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन आप लोग ट्रेंड इधर से ऊपर गया, इधर से नीचे आया, तो इधर रेड कैंडल बनाया। तो हेकेनासी का क्या है कि ये ट्रेंड दिखाता है, आप लोग देख के इसको ट्रेंड को आप लोग पता कर सकता है। इधर डिस्प्ले जाके हेकेनासी देना है, ये जापानीज कैंडल स्टिक है। कुछ लोग एक्चुअली मैंने ये सब बोलते हो, कुछ लोग का जरूरत होता है इसीलिए मैंने बोलता हूँ। और इधर जो हेकेनासी का कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये हेकेनासी का जो ओपनिंग है, ये हायर नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग होता है, नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन होता है, ये अगला कैंडल का हायर लो का मिड पॉइंट में हर कैंडल ओपन होता है। अच्छा, तो मैंने जो देखिए इधर बुलिश अप ट्रेंड लेने के बाद, निफ्टी अप ट्रेंड लेने के बाद थोड़ा सा अगला दिन ऊपर गया नहीं पाया, ये 12,200 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं पाया, कर पाया इधर 12,200 में इसका रेजिस्टेंस है। 12,200 क्रॉस करने के बाद ये 12,274 तक आ सकता है, 12,270 या 12,250 तक आ सकता है। तो इधर थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है और अभी यही ट्रेंड चलेगा, थोड़ा सा वो जाएगा और रिट्रेस करेगा और इधर इसका सपोर्ट मिलेगा 11,950 में इसका सपोर्ट है, इसके बाद 11,870 और 11,822 के ये सपोर्ट रहेगा। इधर तो ट्रेंड ठीक से बन नहीं पा रहा है, अप ट्रेंड ठीक से होते होते अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है, तो लगता है थोड़ा सा नीचे आके फिर कंसोलिडेट करेगा। और निफ्टी बैंक का देखता हूँ, निफ्टी बैंक भी अभी भी मैंने हेकेनासी में देखूँगा तो इधर अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन इधर देखिए कैंडल जो बड़ा कैंडल होता था वो छोटा होते जा रहा है। देखिए ये दोनों कैंडल बड़ा है लेकिन ये छोटा हो गया,
तो इसका अप ट्रेंड का जो मतलब मोमेंटम था ये मेरे से ये भी पता चलता है कि अप ट्रेंड का जो मोमेंटम कैसे है। जब बड़ा बड़ा कैंडल होता है उसके बाद जब कैंडल छोटा हो जाता है, जब अप ट्रेंड आता है या कोई भी ट्रेंड आता है तो जब छोटा हो जाता है कैंडल, धीरे धीरे जब छोटा हो जाता है तो इसका मोमेंटम लॉस हो जाता है। तो ये भी देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना भी जा सकता है, कितना हो सक मतलब ट्रेंड कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो देखिए ये भी रिटेस्ट हुआ है, इसका रेजिस्टेंस ये पिवट पॉइंट तो क्रॉस किया है, पिवट पॉइंट 1278 का पिवट पॉइंट क्रॉस किया है, 368 तक दिया था, फिर से 368 तक दिया था उसके बाद, लेकिन फिर से ये ऊपर आप मोमेंटम नहीं रख पाया, ये नीचे आ गया है। इसका ट्रेंड अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये अभी तक डाउन ट्रेंड ही दिखाता है, मतलब अप ट्रेंड में जा नहीं पाया। रिटेस्ट हो सकता है 30,770 तक, उसके बाद 30,542, उसके बाद 30,345 तक आ सकता है। अब लोग मेरा रात में मैंने बाद में इसका बाई सेल लेवल भी दे दूंगा और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन कुछ भी होगा तो वो भी आप लोग को दिखा दूंगा, तो आप लोग को जरूर देखेगा। तो लेवल चलेगा तो लेवल मिल जाएगा तो आप लोग को पिवट पॉइंट वगैरह लेवल मिल जाएगा तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा ट्रैक करने का। तो थोड़ा सा रिटेस होने का चांस ही मेरा लगता है कि थोड़ा सा रिटेस होगा, ऐसा नहीं है कि नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा रिटेस होगा और फिर से आप जाने का प्रॉबिलिटी देखता है। तो ऑप्शन चेन में मैंने एनालिसिस करूँगा तो ऑप्शन चेन में इधर देखिए, ऑप्शन चेन में पीसीआर रेशियो भी से है, पीसीआर रेशियो जो है इसका मान निफ्टी का ये 1.09 है, मतलब 1 के ऊपर है, ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी है। लेकिन इसका देखिए सॉरी इधर का कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 12,200 में, मतलब इधर रेजिस्टेंस बना है। मतलब नज़दीक वाला सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ही पकड़ रहा है, इधर 12,300 भी पकड़ सकता है, लेकिन इधर थोड़ा सा दूर हो जाता है, जो सबसे जो लगभग नज़दीक रहता है वो हम लोग पकड़ता है। तो 12,200 में इधर रेजिस्टेंस है, इधर चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट भी हुआ है और इधर प्राइस डिक्रीज हुआ है, नेट चेंजिंग प्रीमियम डिक्रीज हुआ है, मतलब इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और आईबी भी डिक्रीज हुआ है, मतलब इसका जो कॉल साइड में जो आईबी है वो भी डिक्रीज हो गया है। तो मतलब इधर नीचे कॉल साइड में शॉर्टिंग होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो कॉल से और इसीलिए इसका थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इधर पुट साइड में देखिए, इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,000 में है, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर 12,000 में है और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर से कम है, इधर जो सपोर्ट में है, तो इधर कॉल शॉर्टिंग ज़्यादा होगा, लॉन्ग होने के उसके पुट लॉन्ग से कॉल शॉर्टिंग होने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और 12,000 में इसका सपोर्ट बना है, इधर आईबी ग्रेटर है, इधर आईबी ग्रेटर है, थोड़ा सा ग्रेटर है, तो इधर प्रोबेबिलिटी मतलब लॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इधर शॉर्ट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब थोड़ा सा करेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी दिखता है। और आप लोग जो लोग जानता है कि इधर कॉल साइड में जो एक डबल एरिया है, कॉल साइड में पीला वाला एरिया है वो ओटीएम और सॉरी आईटीएम का होता है, इन द मनी होता है, और इधर जो बुट से कॉल साइड में जो वाइट वाला एरिया है ये ओटीएम होता है, और बुट साइड में वाइट वाला जो एरिया है वो ये ओटीएम होता है, और बुट साइड में जो पीला वाला एरिया है ये आईटीएम होता है पुट से पुट का। तो इधर आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप कैसे, इधर टोटल जो लास्ट कॉलम में टोटल जो ओपन इंटरेस्ट होता है, मतलब इधर जितना ये दिखता है टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट ये कितना इधर मतलब पोजीशन ओपन करके रखा है ये दिखाता है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कितना फ्रेश ट्रेड इधर लिया हुआ है, कितना पीपल इधर कितना लोगों ने इधर फ्रेश इंटरेस्ट लिया है, मतलब शॉर्टिंग करने का इंटरेस्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव इंटरेस्ट पॉजिटिव